हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7। साफ सफाई, नाना, पूजा पाठ सब हो गई है और आज जाना है स्कूल। कल छुट्टी थी, कल फिर संडे है ना। और देखिए, मतलब दिन सुबह होती है, शाम होती है और ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है ना। यूं ही ज़िंदगी निकलती चली जा रही है। कितनी रफ्तार से भाग रहा है टाइम, कुछ पता ही नहीं चल रहा। एकदम से एक साल निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और बात करते हैं हम, मैं तो बात करूंगी, समझ गए, मोटी की है ना। मोटी ने जो भी कुछ अर्शिया के विषय में वो कह रही है, आप ऑडियंस से मैं कह रही हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, 100% गलत है। मोटी जो कह रही है वो 100% गलत है। और अगर वो कह रही है कि मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी, रिकॉर्डिंग का कोई महत्व नहीं रखता है। मैं अभी किसी की भी रिकॉर्डिंग बातें कहलवा के और वो रिकॉर्ड करके सामने वाले के मैं कहूंगी, एक पर्चा लिख के दे दूँ कि इस तरह से पढ़ के तुम्हें रिकॉर्डिंग करनी है, करके अपने मोबाइल में तुम्हें सुनवा दूँ। वो कोई प्रूफ नहीं है, वो कोई प्रूफ मायने नहीं रखता। प्रूफ मायने रखता है इंसान सामने आके बोले, सामने भी देखिए लोग बिक जाते हैं, आपको बताएं। नहीं बिकते वो चंद ही लोग होते हैं जो नहीं बिकते, जिस तरह से कौन, उमेश पाल नहीं बिका, उमेश पाल नहीं आया और जान से चला गया अपने। लेकिन एक बात तो है पक्का, अगर कोई गलत करता है, बुरा करता है, तो उसके साथ बुरा जरूर होता है। कहते ना, इंसान की तबाही का कारण और इंसान की मौत का कारण एक चींटी बन जाती है कभी कभी। जैसे आज सुर्खियों में है उसकी बात, अतीक अहमद की, उसकी तबाही का कारण उमेश पाल बन गया। उसे ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरी तबाही का कारण उमेश पाल बन जाएगा, है ना। जी हाँ, कुछ नहीं पता। और एक माँ की आह, माँ की आह तो भस्म कर देती है, जला के राख कर देती है। उमेश पाल की माँ की दिल से जो आह निकली होगी ना, आज उसका उसकी कायनात भस्म कर दी अतीक अहमद की। देखिए, हम या आप या सरकार, कोई सोचे कि इस सरकार ने ऐसा करा, उस सरकार ने ऐसा करा, ये करने वाला वो बैठा है। इंसान तो केवल एक नाचने वाला है। उस माँ की आह ने उसका पूरा संसार बर्बाद कर दिया। तो कभी भी, मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई ये ना सोचे कि हमें कुछ नहीं होगा। कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। अगर आप गलत करोगे तो आप गलत सोचोगे, गलत कहोगे, पता नहीं किसके दिल की आह इसे भस्म कर दे। लेकिन फिर वही कहूँगी, सत्य प्रताड़ित हो सकता है पराजित नहीं। मोटी झूठ पे झूठ बोल के कह सोचती है कि अगर मैं ऐसा कहूँगी तो वो सामने वाला ऐसा हो जाएगा। जी नहीं, आप सच्चाई की राह पर चलिए, आपको जीत हमेशा मिलेगी और एक इज्जत के साथ मिलेगी। उस बच्ची अर्शिया पे गंद उछाल रही हो तुम्हें शर्म नहीं आती हैं? बोलो ना, सूरत वालों के लिए बोलो, देखो कैसा तुम्हारा आग लगेगी। क्या हुआ है तेरे साथ, तू 10-8 दिन में आई है ना, कितनी बड़ी परेशानी में फंस गई थी। कब तक कोई, कब तक बर्दाश्त करेगा? सोचो, कुछ ना कुछ तो वो करेगा ना, कब तक बर्दाश्त करेगा? 8 दिन लगे इसे उस परेशानी में से निकलने के लिए। बोलना आप सूरत वालों के लिए, लगाना थंबनेल उन लोगों का, पता चलेगा। मतलब ये देखिए, अगर हम थंबनेल लगाते हैं किसी का, हम किसी को बोलते हैं तो कम से कम उसे गलत तो नहीं बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं तो लगा देते हैं। तुम उसे ही गलत बोल रही हो, उनके ही थंबनेल लगा के पैसे कमा रही हो, उन्हीं के नाम की रोटी खा रही हो और उन्हें ही गलत बोल रही हो। कहाँ तक कोई बर्दाश्त करेगा? एक हद होती है भाई हर बात की। मतलब सायरा जी नाच रही हैं, आमना जी नाच रही हैं, जाने क्या क्या बोल रही थी कल, सारे सब कुछ कर रहे हैं। ये सोच तू क्या कर रही है, तू अच्छा कर रही है मोटी,
तो अच्छा कर रही है, तो सामने वाले को बेवकूफ़ समझती है क्या? मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मोटी सामने वाले को बिल्कुल बेवकूफ़ समझ रही है, ऑडियंस को बिल्कुल बेवकूफ़ समझ रही है कि जैसा मैं कहूँगी लोग वैसा मानेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तू मोमडन है तो अपने दीन ईमान की बातें करती है, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन उसमें किसी को गलत तो मत कहो, गलत तो मत बोलो। और भाई जो सारा जी के हेटर्स हैं वो तो तुम्हारे साथ बोलेंगे ही, वो तो तुम्हारी बातों को सही बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे, है ना? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई तुम 10-20 या 5-6 लाख के सब्सक्राइबर लेकर नहीं बैठी हो। हमने कहा, हमारा कहना यह है कि हम थोड़ा खाते हैं लेकिन इज्जत की खाते हैं, जिल्लत की नहीं खाते या गलत नहीं खाते। मतलब थोड़े सब्सक्राइबर हैं, थोड़े लोग हैं, लेकिन मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। इतनी बड़ी परेशानी से निकली है, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा कर, समझे? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा कर। और बताओ, मतलब मैं तुम्हारी इज्जत नवाजी के लिए तैयार बैठी हूँ। आइए आइए, या मुझे बताइए कि आप मुरादाबाद में कह रही थी ना, मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। बताइए कहाँ रहती हूँ, मैं तुरंत वहाँ पहुँचूँगी और वहाँ की बाकायदा वीडियो बनाऊँगी कि देखो ये आई नहीं, मैं वहीं खड़ी हूँ। मुरादाबाद शहर के अंदर कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं महानगर अध्यक्ष हूँ। आओ, नहीं तो यहाँ जाओ महाराणा प्रताप चौक पे, मैं आपकी इज्जत के लिए तैयार बैठी हूँ, इज्जत करूँगी आपकी, आइए। नहीं भूल सकती, समझ गई? तो मैं इसलिए कह रही हूँ महाराणा प्रताप चौक पे ही आ जाओ। मुझे बद्दुआ दे रही थी कि वो सड़कों पे आ जाए, या मेरे बच्चों को भी देर कह रही थी, मेरे बच्चे किसी चक्कर में नहीं पड़ रहे। अरे तुम लोग इतने गिरे हुए हो, तुम लड़ाई हमसे लड़ते हो और कोसते हमारे बच्चों को, बच्चों को क्यों कोसते हो? बच्चों से हमारा क्या मतलब, बच्चों से किसी के क्या लेना देना? हम हैं, हमारी किसी से है, मोटी मेरी तेरे से है, तो मैं तुझसे बोलूँगी। मुशरा कुछ कहेगी तो मुशरा से बोलूँगी, यहाँ ये नहीं कि मैं उनके बच्चों को बुरा भला कहूँगी। उन बच्चों से क्या मतलब मेरा विचारों से, जो मुझसे कुछ कह नहीं रहे, बोल नहीं रहे, तो केवल सीधी औलाद को बोल कोसती है। तो ऊपर वाला नहीं देखेगा, ऊपर वाला तेरा क्या हशर करेगा शायद तुझे भी नहीं पता। सायरा जी के बच्चों को कोसती है, समझे? मेरे बच्चों को कोसती है, बोल जितना बोल, जितना बोल सकती है। तो अगर किसी के पास कुछ होता नहीं है ना देने के लिए, अगर कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, तो वो दो शब्द इज्जत के और सम्मान के तो बोल सकता है। कुछ नहीं है देने के लिए तो वो किसी को इज्जत और सम्मान तो दे सकता है, इसमें कोई पैसा तो खर्च नहीं होता, इसमें तो किसी का कुछ नहीं खर्च होता, दे सकता है ना? मोमडन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, परिवार के लिए, मोमडन परिवार के लिए मैं कुछ दो लाइनें कहूँगी। कितनी जल्दी ये अरमान गुजर जाता है, कितनी जल्दी दिल का अरमान गुजर जाता है, प्यास लगती नहीं इफ्तार गुजर जाता है, प्यास लगती नहीं इफ्तार गुजर जाता है। हम सब गुनाहगारों के गुनाह माफ़ कर दे ऐ रब, हम सब गुनाहगारों के गुनाह माफ़ कर दे ऐ रब, इबादत होती नहीं और रमज़ान गुजर जाता है, इबादत होती नहीं और रमज़ान गुजर जाता है। मेरी फ्रेंड, पता है अभी 2-3 दिन पहले मैं मिली थी, मंगल रो रही थी वो कि रमज़ान जा रहा है, रमज़ान का महीना फिर चला गया, पता नहीं हम अगले साल हो या ना हो। कह रही मेरी अम्मी पिछले साल रमज़ानों में थी, इस साल रमज़ान में नहीं है, अगर आगे आएंगे पता नहीं हम हो ना हो, पता नहीं कौन हमसे बिछड़ जाए। हम दस्तरखान पे बैठते हैं इतने सारे अपने परिवार के साथ, कह रही थी वो यही कह रही थी कि अल्लाह करे ऐसे ही अगले साल सब बैठे। तो रो रही थी कि देखिए एक रमज़ान और चला गया, पता ही नहीं चलता, ये कह रही एक महीना कैसे चला जाता है। वो चीज़ घर में आती है खाने के लिए जो साल भर नहीं आ पाती, वो रमज़ान में आ जाती है। जी हाँ, तो हमेशा हर एक के साथ अच्छा करिए, अच्छे से रहिए, अच्छा बोलिए, ताकि आपको रिटर्न में अगर वो ना मिले तो ऊपर वाला तो है ना।
लोग कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, मैं क्या बड़ी बड़ी बातें करूँगी, मैं तो खुद अदना सा चीज़ हूँ, मैं तो खुद एक छोटी सी भगवान की बनाई हुई एक इंसान हूँ, मैं क्या बड़ी बड़ी बातें करूँगी। हाँ, जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है, जो मेरे आसपास का माहौल है, वो कुछ बातें मैं आप लोगों से कर लेती हूँ। बड़ी बड़ी बातें मैं आप क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो ऊपर वाले की बनाई हुई एक बहुत छोटी सी इंसान हूँ, है ना। बस दिल में आता है आपसे जो कह देती हूँ। और किसी लेडीज़ को ऐसा नहीं है कि मोटी को अगर कोई परेशान करेगा तो ऐसा नहीं है कि मोटी के बारे में मैं नहीं कहूँगी, मैं उन सब औरतों के साथ हूँ जो फालतू में, मैं वैसे भी फिजिकल भी साथ हूँ, क्योंकि मैं तो मान वैसे भी कोई अगर किसी को परेशानी होती है मैं चली जाती हूँ, ये सोशल मीडिया पे भी अगर कोई परेशान होगा मैं बराबर साथ दूँगी। आज के लिए इतना ही बोलती हूँ, फिर मिलती हूँ ऊपर वाला अगर मुझे सही सलामत रखता है। देखिए, पल की खबर नहीं होती, इंसान घर से निकलता है पता नहीं, तो मैं आपके सामने फिर कल बात करूँगी, फिर आती हूँ आपके साथ एक नई सुबह के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी के साथ और एक नई बातों के साथ। ठीक है, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और मुझे कमेंट, कदर करिए उन लोगों की जो इस दौर में भी आपको वक्त देते हैं।